Hello everyone, I hope you are doing well and staying home during this pandemic. तो last video में मैंने prove किया था 2 plus 2 is equal to 6. इस video में हम prove करेंगे 3 plus 2 is equal to 4. Logically ऐसा possible ही नहीं है, क्योंकि 3 plus 2 किसके possible? 3 plus 2 किसके equal होता है? 5 के equal होता है. इसमें मैं कोई एक minor सी mistake करूँगा and you have to spot out that mistake और comment section में comment करना है आपको. 3 plus 2 is equal to 4. इसे प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 20. इसे हटा देते हैं. माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 20. लॉजिकली बिल्कुल पॉसिबल है, माइनस 20 के इक्वल होता है. माइनस 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 माइनस 36. इसको 16 माइनस 36 लिखता हूँ तो मैथ का कोई रूल ब्रेक नहीं होता. 16 माइनस 36 माइनस 20 के इक्वल होता है. इसी तरह से माइनस 20 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ 25 माइनस 45. 16 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 20. 25 माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 20. अभी तक मैथ का कोई रूल ब्रेक नहीं हो रहा है. 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 स्क्वायर. 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर. माइनस 36 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 9. 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 36. एंड 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 9. 5 स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 9. कोई मैथमेटिकल रूल ब्रेक नहीं किया अभी तक. 5 स्क्वायर 25, 5 माइनस 9 इज इक्वल टू 45. अब इसके बाद 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 9. अगर मैं इक्वल के दोनों साइड सेम क्वांटिटी, जैसे अगर मैं कहता हूँ 4 इज इक्वल टू 4 है, इधर भी 2 ऐड कर दूँ, इधर भी 2 ऐड कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. 6 इज इक्वल टू 6. तो इसी तरह से मैं इस लाइन में प्लस कर देता हूं 81 अपॉन 4 और इधर भी 81 अपॉन 4. अभी तक कोई मैथमेटिक्स का रूल ब्रेक नहीं हुआ. 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 प्लस 81 अपॉन 4. 5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 9 प्लस का 81 अपॉन 4. ठीक है, अब 4 स्क्वायर को इसी तरह से लिखता हूं. 4 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 9. 4 मल्टीप्लाई बाई 9 को मैं क्या लिख देता हूँ? 2 इंटू 4 इंटू 9 अपॉन 2. अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 2 से 2 कट जाएगा. 4 9 या 36 और यहाँ भी 36. मीन्स मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड कर दिया और यहाँ 81 अपॉन 4 को क्या लिख दिया? 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. 5 स्क्वायर को भी मैं 5 स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखता हूँ. माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 9 को मैं क्या लिख देता हूँ? 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 2. देखते हैं, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 5 इंटू 9 ही तो है. 5 इंटू 9 यहाँ भी लिखा हुआ है. 5 इंटू 9 और 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड कर दिया. अगर मैं किसी में 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही रहता है. देखो 2 से 2 कट जाएगा. 5 9 या 45 सेम इसकी तरह. प्लस 81 अपॉन 4 को मैं लिख देता हूँ 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ए स्क्वायर माइनस 2ab इन प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर के. ये फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर. हटा देता हूँ मैं से, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है. तो ये हो जाएगा 4 माइनस 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 9 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और 4 माइनस 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 9 अपॉन 2. तो 4 माइनस 9 अपॉन 2 को अगर मैं उस साइड लेकर जाता हूँ तो 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 9 अपॉन 2 प्लस 9 अपॉन 2 हो जाएगा और इस माइनस 9 अपॉन 2 से प्लस का 9 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. 4 इज इक्वल टू 5.
अब इस 5 को मैं क्या लिख देता हूँ, 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 2, दैट मीन्स 3 प्लस 2 किसके इक्वल आ गया यहाँ पर, 4 के इक्वल आ गया, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। देयर इज अ सिंपल मिस्टेक, सिंपल, बहुत सिंपल सा मिस्टेक है, यू हैव टू स्पॉट आउट दैट मिस्टेक एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इसकी मिस्टेक और जो मैंने लास्ट 2 + 2 = 6 और इस तरह की मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं मिस्टेक्स करूंगा और उनके जो सॉल्यूशन है एक अलग वीडियो में दूंगा। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और मिस्टेक्स को स्पॉट आउट करते रहिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। सो प्लीज़ लाइक कमेंट